हाय एवरीवन, अगर दोस्तों आपने डिप्लोमा या बीटेक किसी भी ब्रांच से की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर। भाई आप सभी जानते होंगे BPCL के बारे में, जो कि एक PSU है। भाई इसमें अप्रेंटाइसशिप के लिए वैकेंसी आई हुई है, अप्रेंटाइस कर सकते हो यहाँ पर आप। तो दोस्तों इसमें मैं फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप कितने साल की अप्रेंटाइसशिप होने वाली है यहाँ पर और कितनी सैलरी मिलेगी आपको पर मंथ और कैसे आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है। आप इसमें अप्लाई करोगे, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो, अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो, डायरेक्ट फिर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने एक नॉर्मल कॉलेज से या किसी भी कॉलेज से, आपने एक स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिसने एक नॉर्मल कॉलेज से किया है ना भाई, वो जरूर अप्लाई करना। अगर आपका एकेडमिक में मार्क्स अच्छे हैं ना और आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो और फिर आप PI निकाल लेते हो, जिसको पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, तो भाई यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी है। अभी वो हम आगे डिस्कस करेंगे और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी फ्यूचर में, क्योंकि भाई आप PSU में एक साल का एक्सपीरियंस लेना ना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यार उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा जिन लोगों ने बीटेक की हुई है। भाई बीटेक अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग से की है तो आपके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है भाई 29 यहां पर। और भाई अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से की है तो 8 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से की है तो 15 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने अपनी बीटेक कंप्लीट की है तो 9 पोस्ट हैं। और भाई आपने सेफ्टी इंजीनियरिंग या सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग से की है तो 12 पोस्ट हैं आपके लिए। और भाई यहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी बीटेक कंप्लीट की है तो आपके लिए 35 वैकेंसी हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं भाई। उसके बाद अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब ये जितनी भी ब्रांच आपने यहाँ लिख रखी है, जैसे लास्ट है यहाँ पर मेटलर्जी, आप यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हो किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है। अगर भाई यहाँ पर मैं मंथली स्टाइपेंड की बात करूँ तो 25,000, जो कि नॉर्मली कोई भी PSU इतना आपको स्टाइपेंड नहीं देती है, 11,000, 12,000, 15,000। तो यहाँ पर आप पर मंथ भी देखोगे तो आपका स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा है, 25,000 रुपये पर मंथ है। अगर वहीं पर हम ड्यूरेशन की बात करें कि आपकी ट्रेनिंग का कितना टाइम रहने वाला है, तो भाई ये है एक साल की। और अगर भाई मैं इसकी बात करूँ लोकेशन की, तो लोकेशन है भाई यहाँ पर कोची में, आपको कोची जाना होगा। अगर आप कोची के आसपास रहने वाले हो तो जरूर अप्लाई करना, और आप इंडिया में कहीं भी रहते हो और भाई आप अप्लाई जरूर करना एक बार। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो तो भाई बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 400-500 रुपए आपको फॉर्म भरने के इसमें पैसा लगेंगे। तो भाई बीटेक वालों के लिए यहां पर टोटल वैकेंसी है 120। उसके बाद भाई हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर डिप्लोमा वालों के लिए। भाई अगर मैं डिप्लोमा वालों के लिए बात करूं, अगर आपने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से किया है तो आपके लिए 26 वैकेंसी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, आपके लिए वैकेंसी है भाई 7 यहां पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है तो 9 वैकेंसी है। वहीं पर आप इंस्ट्रूमेंटेशन या यहां पर किसी भी ब्रांच से आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो इन सभी ब्रांच वालों के लिए 6 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो भाई यहां पर 48 वैकेंसी है। अगर मैं मंथली स्टाइपेंड की बात करूं तो भाई 18,000 पर मंथ है, जो कि डिप्लोमा के बाद भाई इतनी तो सैलरी होती है। मतलब आप किसी कंपनी में भी काम करोगे ना प्राइवेट में तो 18,000 तो आपको मिलते हैं। यहां पर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, यहां पर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, मतलब अप्रेंटाइस के लिए जा रहे हो यहां पर, और फिर भी आपकी जो स्टाइपेंड है वो 18,000 है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और भाई यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करूँ तो एक साल का है। लोकेशन सेम रहने वाला है जो ग्रेजुएट वालों के लिए था, आपका लोकेशन कोची में रहने वाला है। और भाई यहाँ पर मैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने बीटेक की है तो भाई आपका फुल क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास आप इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए मतलब आपके पास। और भाई आपके मार्कशीट में, मतलब आपके जो नंबर हैं, वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए। और एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपकी बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद वहीं पर अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है, तो भाई वो भी, उनका भी 60% मार्क्स होने चाहिए। आपने अपनी किसी भी स्टेट बोर्ड जो होता है टेक्निकल एजुकेशन, उससे क्या है या किसी यूनिवर्सिटी से क्या है, आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा होने चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, और उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे तभी आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। उसके बाद भाई मैं यहाँ पर एज की बात कर लेता हूँ। एज आप जैसा कि देख सकते हो 18 से लेकर 27 ईयर्स तक, अगर आप 18 साल से और 27 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भाई कुछ रिजर्वेशन है यहाँ पर कुछ वैकेंसीज के लिए, जैसे जो PWD वगैरह SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ रिजर्वेशन है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ कि कितना टाइम रहने वाला है, तो टाइम हम ऑलरेडी बता चुके हैं, चाहे डिप्लोमा चाहे बीटेक, आप ग्रेजुएट हो या आप टेक्नीशियन की पोस्ट पर जाओगे, आपका जो टाइम है वो एक साल का रहने वाला है। और भाई एक चीज यहाँ पर और बता देता हूँ, अगर आप BPCL में पहले ट्रेनिंग कर चुके हो या अभी ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और भाई अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं कि कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा, तो भाई सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आप इसमें अप्लाई करोगे, जब आप अप्लाई करोगे तो उनकी टीम आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके डिप्लोमा में कैसे मार्क्स हैं, आपने कैसा परफॉर्म किया है, कौन से सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स हैं, उसके बेसिस पर स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, और जब उन लोगों को बुलाया जाएगा उनका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, और वो इंटरव्यू अगर क्रैक कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद भाई मैं बात करूं आपको अप्लाई कैसे करना है, तो
तो भाई आपको अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि आपको नेशनल वेब पोर्टल पे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है। नेशनल वेब पोर्टल आप नहीं जानते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा। अगर अभी तक आपने नेशनल वेब पोर्टल पर लॉगिन नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो भाई मैं बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आप नेशनल वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी पीएसयू में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आती हैं सभी नेशनल वेब पोर्टल से ही फिलअप होती हैं। तो वहां पर क्या होता है भाई, सबसे पहले नेशनल वेब पोर्टल जो कि आप एमएचआरडी की वेबसाइट पर जाकर करते हो, वहां पर एमएचआरडी की वेबसाइट खोलोगे, नेशनल वेब पोर्टल पर आपको सभी अपनी जानकारी फिलअप करनी होती है कि आपने कितनी क्वालिफिकेशन की है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होते हैं, मतलब पूरा एक होता है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, फिर वो आपको संभाल के रखना, उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप आगे लॉगिन कर पाओगे और किसी भी पीएससी में वैकेंसी आएंगी उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन कर सकते हो। और जब वहां से आप लॉगिन करोगे और आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है भाई, सिंपल सा टाइप करना है। वहां पर देखो यहां पर दे रहा है सबसे पहले लॉगिन करना है, फिर वहां पर एक एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू होता है उस पर जाना है, फिर फाइंड एस्टेब्लिशमेंट आएगा उस पर जाना है, वहां पर अपना रिज्यूमे अपलोड करना है और फिर वहां पर एक ऑप्शन आता है चूज एस्टेब्लिशमेंट नेम और वहां पर टाइप कर देना फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोची रिफाइनरी एंड सर्च करना है। जब आप वहां पर सर्च करोगे तो वहां पर एक अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, फिर दोबारा अप्लाई का ऑप्शन आएगा, रिकन्फर्मेशन के लिए दोबारा अप्लाई कर देना है, क्लिक कर देना है और फिर वहां पर आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर रहने वाला है। तो भाई अभी तक आपने नेशनल वेब पोर्टल पर अप्लाई नहीं किया है, अगर आपके आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अब इसके बाद भाई हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कब इसके अप्लाई, कब से आप अप्लाई कर पाओगे और कब लास्ट डेट है। तो भाई इसकी जो अप्लाई करने की डेट है स्टार्टिंग में वो है 5 जुलाई और लास्ट डेट है वो है भाई 20 जुलाई। तो मतलब 20 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई भाई जरूर कर देना, क्योंकि भाई अगर और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यार जो फॉर्म फिलअप करो ना वो कोई इनकम्प्लीट मत करना, कुछ भी मतलब अगर कोई दिक्कत होती है तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो भाई आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर ये वीडियो आपके लिए यार इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन है या कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको मुझसे पूछना है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।